हाय एवरीवन, सो रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया था इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन फेस्टिवल इकत्व। यहाँ आए थे 55 प्लस प्लैनेट फ्रेंडली ब्रांड, यहाँ था स्टैंड अप, लाइव म्यूजिक, कुकिंग कंपटीशन और बहुत कुछ। यहाँ आए थे इंडिया के चीफ जस्टिस। तो आप इंजॉय करिए इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये था दिल्ली के सुंदर नर्सरी में, वो भी 27 अक्टूबर को। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ बकबक बंद और आप करिए इस वीडियो को एंजॉय, क्योंकि यहाँ पे पैनल और टॉक्स भी थे जहाँ आपको मिलगी काफी सारी जानकारी है। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Human population is as such that they have occupied almost every part of the earth, and we have taken away their habitations mostly. It's quite incredible even for us. So this is a farm, it's an animal sanctuary and a sustainable farm. तो यहाँ पीपल फार्म का भी स्टॉल था जो कि धर्मशाला में स्ट्रे एनिमल को रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड लगाई थी जहाँ पे स्कैनर था, आप स्कैनर करके उनकी डॉक्यूमेंट्री मूवी भी देख सकते थे। Few hours ago, we've heard from Kalpana ji. I request you to please join sir on the stage. Well, sir, you've become a trendsetter. A lot of people are inspired by your journey. Here is the power couple. Give it up for the power couple. And special mention to your daughter, sir. Part which my two little daughters, they're not so little now. But our two daughters, Priyanka and Mahi, created us. Everybody would ask me, but where will you get your protein from? And I was not a meat eater anyway, I was a vegetarian. Veganism, by the way, is not some newfangled Western concept. Veganism is intrinsically rooted in our own culture, our own philosophy, our own ethos. Because to be vegan in your diet is to be a vegetarian and exclude diet and to exclude dairy or on honey, because you know, you follow a plant-based lifestyle. In horrible way, green chilies are inserted in the rice so that they will actually keep standing out of pain, so that they can cramp more cattle, as you can see in the photo. But this is how they actually transport cattle, and I have actually stopped many such trucks and filed the cases and rescued them. I have rescued like hundreds of cattle from containers like this, and for that I have got many life threats and even murder attempts from the cattle mafia. But when we do something good, obviously the ability to influence change in any way, you should absolutely take that opportunity and do what you can. So tell us a little bit about Kindness with Amy. So Kindness with Amy is, I feel very passionately about, because I think the best way to inspire people to change is through a non-confrontational conversation. Because when people feel attacked, they close their mind. और ये रहे कुछ ब्रांड्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, जिनका मुझे था कि मैं वापस आके चेक करूँगी कि क्या है इनकी साइट पे और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानूँगी। तो मैंने उनके लिए थे फ़ोटोज़, तो वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप भी स्कैन करके इनकी साइट को गो थ्रू कर सकते हो, चेक कर सकते हो और आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और अब शुरू होने जा रहा एंटरटेनमेंट पार्ट, जो कि जहाँ पे होने वाला है स्टैंड अप और लाइव म्यूजिक। लेट्स एंजॉय। सबसे ट्रस्टी शोज हो रहे हैं आपको। सही हो यार, तुम लोग को मजा आएगा तुम लोग के साथ आज। स्वीट, वेरी हैप्पी टू बी हियर। हमारी सीट भरनी आज आना सर किया से मन के सच्ची तुम्हों से प्यारों की बड़ी
We live.
संग तेरा थोड़ा पतंग मेरा हवा में होते मलंग छोड़ा नहीं गुरुवार मेरा ओ किनारे मगना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ किनारे मगना आ तू ही है संसार मेरा ओ किनारे मगना दिल तुम कोई चाहे तो क्या कीजिए चैनाए मेरे दिल को दुआ दीजिए आए मेरा दिल आए मेरा दिल जग दिया नजरा तो चोरी कितने आए मेरा दिल आए मेरा दिल इंज माड़िया ते पावे मथे दिया लिकाने अल्फाज अजे भी तेरी आई उड़िकाने माड़िया ते पावे मथे दिया लिकाने अल्फाज अजे भी तेरी आई उड़िकाने जिदा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे बिना दिल आए मेरा दिल आए मेरा दिल रो रो के अरे दिल दीवाना दीवाना ये दिल दीवाने ने मुझको कर डाला शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी आज उसी को करता ये दिल मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले क्या बताऊं यारो वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया जब से हमें तन्हापन से तुझे याद किया ओ दिल समझ जा फिर मोहब्बत कर तू रुक जा फिर मोहब्बत करने चला है तू गजल चेहरा जाने गजल तेरा जैसे गली चेहरा जैसे कब्र चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा तस्वीर भी चेहरा जैसा बिखरी हुई थी दिन में रात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई क्या हुआ ये ना पूछो खुश सी बात हो गई याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी दिल की तरह से हाथ मिले कैसे भला छूटेंगे कभी मेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद है क्या तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तो को मैं जागा करूं बीवी की जुदाई में मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में मम्मी मेरी शादी कर दूं मई जून जुलाई में मम्मी मेरा दिल नहीं लगता
छोड़ी रे इस देसी की फैनी दुनिया हो रही है देसी देसी ना बोलिया कर इस देसी की फैनी दुनिया हो रही है ओ चुंदड़ी जयपुर पे मंगवाई रिंगी सोने की चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रिंगी सोने की कड़वाई गले में कंठ